आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रमुख योग आसनों के अभ्यास बताऊंगी जिनका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इसकी मदद से आपकी हार्ट की मसल्स बहुत अच्छी तरीके से खिंचती हैं, छाती ओपन होती है जिससे कि रिब केजेस खुलती हैं और जो भी आर्टरीज और वेन्स ब्लड की सप्लाई कर रही हैं हार्ट की तरफ या हार्ट की तरफ से इन पर बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो से उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की कंडीशन से परेशान हैं या कि फिर ऐसे व्यक्ति भी जिनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, छाती पर बहुत ही ज़्यादा कड़ापन महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप घंटी का निशान दबा लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो मैं कभी भी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आपको सिखा रही हूँ एक मुद्रा का अभ्यास। इस मुद्रा को हम कहते हैं हृदय मुद्रा या कि फिर इसको कहते हैं आपान वायु मुद्रा। किस तरीके से करेंगे? क्रॉस लेग पोजीशन पे आप बैठ जाएंगे, अपने हाथ की दोनों हथेलियों से आपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के ऐसे बेस पर लगाना है और फिर आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के ऊपर टिप पर ऐसे लगाना है और आपकी छोटी उंगली जो है वो बाहर की तरफ होगी और दोनों हाथों को इस तरीके से आपको घुटने के ऊपर रख लेना है। इस अभ्यास को हर दिन आप आधे घंटे करना शुरू करें। अगर आधे घंटे एक बार में नहीं बैठ सकते हैं तो 10-10 मिनट के लिए बैठ जाएं सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, या कि फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी इस तरीके की मुद्रा लगा सकते हैं। आराम से बैठे हुए पार्क में भी इस तरीके की मुद्रा लगा सकते हैं। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत मददगार साबित होगी। आंखों को बंद कर लें या कि जब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो भी हृदय मुद्रा आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले योग आसन का जो हम अभ्यास करेंगे इसका नाम है अर्धचक्रासन। इसका अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में आप 1 फुट का फासला रखेंगे और इसका मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे देखिए। ऐसे मैंने दोनों पैरों को जोड़ लिया, अब क्या किया, अपने राइट पैर से एल बना लिया, यानी राइट एड़ी लेफ्ट पैर के पास है और एल बनाने के बाद दोनों पैरों को एक दूसरे से मैंने कर दिया अलग। इतना फासला रखना है, सिंपल। फिर से देखिए, एल बनाया और ऐसे अलग कर दिया और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे और कमर पर रखने के बाद साइड से देखिए, अब मेरे कंधे को देखिएगा आप। धीरे से अपने शोल्डर्स को मैंने ऐसे रोल बैक किया जिससे छाती देखिए कितनी अच्छी तरीके से खुल गई है और शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करती जा रही हो। छाती खुलने के बाद अपनी गर्दन को भी मैंने ढीला छोड़ दिया और अपनी कमर को आगे की तरफ ऐसे पुश करती जा रही हूँ और ब्रीदिंग मैं नॉर्मल करूँगी, होल्ड करूंगी पोस्चर को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सांसों को बिल्कुल भी मत रोकिएगा और इस तरीके से इसी पोस्चर को आपको 3 बार करना है। 10-10 काउंट्स का आपने होल्ड कर लिया तो अच्छी बात है और अगर होल्ड नहीं करना है तो जितना देर आप कर सकते 5 सेकेंड 10 सेकेंड 30 सेकेंड। फिर से देखिए, शोल्डर्स को देखिएगा और कमर को देखिएगा। शोल्डर्स को रोल बैक किया, जैसे ही रोल बैक किया तो पूरी छाती अच्छी तरीके से देखिए इस तरीके से खुल गई और हिप को हम आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और गर्दन को ढीला छोड़ दिया ऐसे इस तरीके से और ब्रीथ करते रहेंगे ऐसे 5, 4, 3, 2, and 1। दोस्तों अगर आप सभी मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं जिससे आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों आसानी से मेरे साथ जुड़ के अपने घर के कम्फर्ट जोन में रह के 1 घंटे का समय निकाल के योगाभ्यास कर लिया करें। अगर आप सोच रहे हैं कि इन क्लासेस में हम क्या क्या सीखेंगे, इन क्लासेस में हम हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन किस तरीके से करते हैं वो करवाऊंगी, साथ ही आपके शरीर की अंदर से साफ सफाई, डिटॉक्स करने के लिए यौगिक क्रियाएं भी हम करते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये क्लासेस कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप अगर ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर कंप्लीट बिगनर हैं या कि फिर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है ना, फिर भी ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की डेट में ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स को, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को हेल्थ कंडीशन रही होगी जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, नी पेन, बैक पेन, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, नींद नहीं आना, मानसिक तनाव होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी सारी समस्याओं में ये क्लासेस उनको बहुत मदद कर रही है। इसीलिए मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो कि एक घंटे की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये वीडियोस एक्सक्लूसिव मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जैसे ही इन कोर्स को परचेज करते हैं इमीडिएटली आपको एक्सेस मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात कि घर पे ही रहना है, एक घंटे की वीडियोस प्ले करके कहीं भी कभी भी शुरू हो जाइए। और ये कोर्स भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है जिसमें हम आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि इन जूम क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, तो आपको मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट बता दी है जो कि है www.yogawithshahida.com। आप जाके ये वेबसाइट चेकआउट कीजिएगा, या कि फिर यहाँ पर मैंने जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको क्लास के बारे में सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। जाइए चेकआउट कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करने के लिए हम ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, थंडरबोल्ट पोजीशन पे। थंडरबोल्ट पोजीशन पे अगर बहुत से लोगों को बैठना ना आ पाए तो एक बार बता दूं, दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच किया और दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़ रहे हैं ऐसे, और फिर उसके बाद अपने टो को एक दूसरे के साथ रखा और हील को अलग कर दिया और इस तरीके से ऐसे बैठ गए। अब दोनों घुटनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे, इस तरीके से वाइडली ओपन करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन भी तो बेहतर होगा ना, पैरों की मांसपेशियां जो है वो भी मजबूत होंगी। अब आप क्या करेंगे, अपने राइट पाम को ना खोल लिया, राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर रखेंगे और स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे और सामने देखेंगे इस तरीके से ऐसे। जरा पीछे से देखिए जो मैंने क्रॉस किया है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से ऐसे बैठेंगे आप, ऐसे और ऐसे क्रॉस कर लेंगे ऐसे, राइट पाम लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट पाम राइट शोल्डर पर और स्पाइन बिल्कुल सीधी। तो जब आप इस तरीके से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो आपके पूरे के पूरे छाती की मसल्स खुलती हैं और साथ ही आपके बॉडी का पॉस्चर भी इम्प्रूव होता है, स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट हुई। और जब आप इस तरीके के अभ्यास करते हैं ना तो आपकी ब्रेस्ट मसल्स भी बहुत अच्छी तरीके से टोन हुई, खींची और ब्रीदिंग बहुत आसानी से हो रही है। इस पॉस्चर को कम से कम आप एक बार जब अभ्यास करें तो वज्रासन में बैठने का जितना देर आपका क्षमता है उतनी देर बैठें, तो लगभग एक मिनट तक के तीन तीन बार अभ्यास आप कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक मिनट तो कम से कम इस आसन का अभ्यास आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद वज्रासन को रिलीज कर दें। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घुटने में दर्द हो, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो सिंपली क्रॉस लेग पोजिशन पर ऐसे बैठें और हाथों को क्रॉस कर लिया, क्योंकि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव अभी जो हमारी हार्ट मसल्स का है तो वो है कि हार्ट की मसल्स जो है बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो और खींचे। अब हम अभ्यास करेंगे कैमल पोज कहते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग अभ्यास है हमारी हार्ट ओपनिंग करने के लिए और साथ ही हमारी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए, और पेट की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा खिंचाव आता है इसका। कैसे अभ्यास करेंगे, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, और घुटनों के बीच में अपने हिप जितना फासला रखेंगे, ऐसे जोड़ के नहीं रखेंगे, कमर जितना फासला इस तरीके से रखा, और अपने टो को, अपने पैर की जो बड़ी उंगलियां हैं इसको बाहर की तरफ रखा, और फिर जैसे हम खड़े होकर अभ्यास कर रहे थे ना अर्ध चक्रासन का, उसी तरीके से दोनों हाथों को आपने ऐसे कमर के ऊपर रख लिया और फिर उसके बाद शोल्डर्स को रोल बैक किया और इस तरीके से चेस्ट को ओपन किया
और हिप को आप आगे की तरफ पुश करते जाएं और गर्दन को ढीला छोड़ते जाएं ऐसे, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। और फिर उसके बाद जब आप अभ्यास कर लें तो फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज कर दें और आराम से अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। इस अभ्यास को आपको 3 बार करना है, 3 times करना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। फिर पीछे की तरफ ओपन होने वाली प्रैक्टिस की थी, अब आराम से घुटनों को खोलिए और अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे फिसलाते हुए अपनी मैट पर, और फिर अपने चेस्ट और हेड को मैट पर ड्रॉप कर दें ऐसे, इस तरीके से। इससे आपको बहुत अच्छा ब्लड फ्लो हेड की तरफ जाएगा और जो तनाव है वो कम करने में बहुत मदद मिलेगी। हेड डाउन कर लें, ब्रीद करें। अगले आसन के अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन करना बहुत आसान है, आराम से आपको आपके पेट के बल आपकी योगा मैट पर लेट जाना है इस तरीके से, और अपने टो को बाहर की तरफ ऐसे रखना है। दोनों हथेलियों को आप अपनी छाती के साइड में रखेंगे इस तरीके से, अपने पैर के दोनों एड़ियों और अंगूठों को जोड़ के रखेंगे और अपने माथे को मैट पर ड्रॉप कर देंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने सर को उठाएंगे, छाती को उठाएंगे, आपकी कुहनी मुड़ी हुई रहेगी और आपकी नाभि मैट पर रहेगी। आपकी जो लोअर बैक है, कूल्हे की मसल्स हैं, उनको टाइट करके रखिएगा और धीरे से सांस छोड़ते हुए हेड को ड्रॉप कर दें। फिर से सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप एंड होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर उसके बाद ड्रॉप कर दें। सांस लेते रहें, बस पोस्चर को होल्ड करें। फिर से धीरे धीरे हेड अप, चेस्ट अप एंड होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से ऐसे ड्रॉप कर दें। अब पैरों को अलग कर दें और अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें, एल्बो को बाहर लेके जाएं और चेहरे को घुमा दें किसी भी तरफ और ब्रीद करें। पोज या कि फिर जो मत्स्यासन है, इसका अभ्यास करने से आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही अच्छी तरीके से स्वस्थ होती है, और साथ ही आपको पता है जब आप फिश पोज का अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव आपकी छाती की मांसपेशियों को खोलने पर बहुत अच्छा होता है। 2 तरीके से बताऊंगी फिश पोज का अभ्यास, आराम से आप अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे इस तरीके से, ऐसे लेट गए, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रखिएगा इस तरीके से, पैरों को जोड़ लिया, और फिर उसके बाद अभी ये कंप्लीट बिगनर की तरह कैसे करेंगे अभ्यास वो बता रही हूँ। अपने धीरे से अपनी बॉडी को ऐसे हाफ उठाएं, बॉडी का वेट एल्बो पर डालें और चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करते हुए सर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, उसको मैट पर ड्रॉप कर दें और चेस्ट को बाहर रखें इस तरीके से, और ब्रीद करें। 1, 2, 3, 4, 5, पेट के मांसपेशियों को हल्का सा अंदर की तरफ पुल कीजिएगा और होल्ड करके रखिएगा इस तरीके से ऐसे, और फिर रिलीज कर दें। तो इसका भी अभ्यास कम से कम आप 30 सेकेंड से 1 मिनट करके रखिएगा, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसका अभ्यास आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने एक योगा ब्लॉक ले ली, योगा ब्लॉक को अपनी मैट पर ऐसे लंबाई पे रख लिया, ऐसे लंबाई में रखने के बाद फिर आप एग्जैक्टली जो आपका थोरेसिक रीजन है ना, ये वाली जगह जहाँ पर एग्जैक्टली आपका हार्ट है, वहीं पर अपने ध्यान को लेके जाइए, और फिर उसके बाद आप उस योगा ब्लॉक के ऊपर आराम से लेट जाएंगे। कैसे? इस तरीके से एल्बो को ड्रॉप किया, और आप इस तरीके से अपने थोरेसिक रीजन पर ध्यान रखिए और आराम से इस तरीके से लेट जाइए। पैरों को चाहे तो अलग कर दें और हाथों को अलग कर दें, और इससे बहुत अच्छी तरीके से आपका हार्ट की ओपनिंग होगी। अगर आपके पास इस तरीके से योगा ब्लॉक नहीं है तो आप एक तकिया के ऊपर भी इस तरीके से लेट जाएं और ब्रीदिंग करें,
और जब भी आप पूरे दिन का काम खत्म कर लिया करें इस तरीके से मत्स्य आसन का अभ्यास करने से आपके पूरे शरीर की जो टेंशन है वो दूर भाग जाएगी। इस पोस्चर को कम से कम जब आप तकिए के सपोर्ट के साथ करें तो आपको इस आसन का अभ्यास कम से कम 5 मिनट तो कर लेना चाहिए आराम से ऐसे लेटे हुए। इसे आपके हार्ट के अराउंड की मसल्स बहुत अच्छी तरीके से खींचेंगी और आप एक रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से गर्दन को खोल भी लें तो भी आप अपने सर के सबसे ऊपरी हिस्से को ऐसे मैट पर रख सकते हैं और गर्दन आपकी ओपन है ऐसे, और ब्रीद करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें इस तरीके से। अब उसके बाद आप क्या करें कि उठने के बाद अपनी योगा ब्लॉक को हटा दें। दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई ये सारी प्रैक्टिसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, हर रोज अभ्यास शुरू कर देना है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए निरंतर योग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो पसंद आई ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से और बहुत से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले तो बस इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियोज़ बना के। आप सभी अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी आप सभी से। नमस्ते।